हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर विनोद कामले। इस वीडियो से हम लोग 6 चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेस, जिसके अंदर हम लोग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है एंड व्हाट इज द नीड ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बिजनेस दैट वी आर गोइंग टू स्टडी। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है ऑब्लिगेशन। ओके, ऑब्लिगेशन मतलब जिम्मेदारियां, कि हर एक बिजनेस एंटरप्राइज या हर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की कुछ जिम्मेदारियां होती है जहां पे उन लोगों को क्या करना रहता है, सोसाइटी को प्रोटेक्ट करना रहता है। मतलब किसी भी तरीके से फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज या किसी भी तरीके से सोसाइटी के मेंबर्स का एक्सप्लॉयटेशन नहीं करना है। क्यों? बिकॉज कोई भी बिजनेस आइसोलेशन में एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। आइसोलेशन मतलब अकेले में वो बिजनेस बढ़ नहीं सकता है या अकेले में नहीं रह सकता है बिजनेस। हर एक बिजनेस को सोसाइटी के जो मेंबर्स होते हैं वो उसको ग्रो करने में हेल्प करते हैं या उसके सक्सेस में कंट्रीब्यूशन करते हैं। जैसे कस्टमर्स प्रोडक्ट को परचेस करते हैं, गवर्नमेंट उनको लाइसेंस देते हैं, एम्प्लॉइज अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट बनाते हैं, इन्वेस्टर्स उनको फाइनेंस देते हैं। तो इस तरीके से सोसाइटी का हर एक मेंबर जो है वो बिजनेस के सक्सेस में कंट्रीब्यूट करता है, बिजनेस को ग्रो करने में हेल्प करता है। इसके लिए बिजनेसमैन की भी जिम्मेदारी बनती है, बिजनेसमैन का भी ऑब्लिगेशन या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि उनको भी सोसाइटी के लिए कुछ करना पड़ेगा। ओके, तो सोसाइटी उनको सपोर्ट कर रही है तो उसके बदले में बिजनेस में भी क्या करना चाहिए, सोसाइटी को सपोर्ट करना चाहिए। दैट इज कॉल्ड ए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो जो भी सोशली रिस्पॉन्सिबल बिजनेसेस रहते हैं, ओके, जिनको अपनी जिम्मेदारियों के बारे में पता है, वो लोग कभी भी प्रॉफिट मेकिंग या प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के ऊपर सिर्फ फोकस नहीं करते हैं या प्रॉफिट कमाना ये सिर्फ उनका एम नहीं रहता है। तो वो लोग सोशल वेलफेयर के एक्टिविटीज भी करते हैं। सोशल वेलफेयर एक्टिविटीज का मतलब क्या होता है, जैसे गवर्नमेंट को इमरजेंसी के टाइम पे हेल्प करना या टैक्सेस वगैरह टाइम पे करना या कस्टमर को अच्छे क्वालिटी के गुड्स देना, एम्प्लॉयज को अच्छी वर्किंग कंडीशन देना। तो ये सारे जो सोशल वेलफेयर एक्टिविटीज होती है वो सब ये लोग चीजें करते रहते हैं, उसको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बोला जाता है। ओके, जो बिजनेसेस अपने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल करते हैं वो बिजनेस हमेशा ग्रो करते हैं। जैसे आप टाटा रिलायंस वगैरह देखते हो कि ये लोग सोसाइटी के लिए बहुत सारी चीजें करते हैं, बहुत सारे डोनेशंस वगैरह करते हैं, सपोर्ट करते हैं सोसाइटी के लिए। इसके वजह से सोसाइटी इन लोगों को सपोर्ट कर रही है और इतने सालों से ये बिजनेसेस जो मार्केट में ग्रो कर रहे हैं। पर अगर सपोज किसी बिजनेस ने अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल नहीं की, उन्होंने अपने इन्वेस्टर्स के साथ या कस्टमर्स के साथ या गवर्नमेंट के साथ कोई भी फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज वगैरह की या उनका एक्सप्लॉयटेशन किया, तो ऐसे बिजनेसेस जो होते हैं वो सर्वाइव कर पाते नहीं है। इसके लिए हर एक बिजनेस ने अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करना चाहिए प्रॉफिट कमाने के साथ साथ। मतलब सिर्फ प्रॉफिट के ऊपर फोकस नहीं करना चाहिए, तो कुछ सोशल वेलफेयर एक्टिविटीज भी करते रहना चाहिए। दैट इज कॉल्ड अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ना हम लोग को अभी एक क्वेश्चन पढ़ना है मेन, जो है नीड फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि बिजनेसमैन ने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को क्यों फुलफिल करना चाहिए। तो सबसे पहले है कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रस्टीशिप। यहाँ पे देखो लास्ट लाइन में लिखा हुआ है कि बिजनेसमैन जो होते हैं वो सोसाइटी के ट्रस्टीज कंसिडर किए जाते हैं। मतलब बिजनेसमैन जो होते हैं सोसाइटी के ट्रस्टीज होते हैं। जैसे आपको पता है कि एक ट्रस्ट होता है और वो ट्रस्ट के कुछ मैनेजमेंट के लोग होते हैं वो ट्रस्ट को संभालने वाले, जिनको ट्रस्टीज बोला जाता है। ये ट्रस्टीज जो होते हैं वो लोग क्या होते हैं, वेल्दी पीपल होते हैं। वेल्दी पीपल मतलब कि उनके पास अच्छा खासा वेल्थ होता है, अच्छा खासा पैसा होता है, और वो लोग क्या करते हैं, अपने जो पैसा है वो समाज के कल्याण के लिए यूटिलाइज करते हैं, अपने पैसे का कुछ हिस्सा। ओके, और उससे वो लोग क्या करते हैं, वेलफेयर एक्टिविटीज वगैरह करते हैं। जैसे कि हॉस्पिटल्स होते हैं, ट्रस्ट के हॉस्पिटल, तो ट्रस्ट के हॉस्पिटल में क्या किया जाता है, जो भी पेशेंट्स होते हैं उनकी बीमारियों को कम खर्चे में ट्रीट किया जाता है। तो लोग अपने इलाज जो है वो वहां पे कम पैसे में खर्च करके वहां पे अपना ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ओके, तो उनको अच्छी सर्विस वहां पे मिल रही है। तो इस तरीके से कुछ बिजनेसमैन अपने खुद के हॉस्पिटल्स वगैरह स्टार्ट कर सकते हैं जहां पे वो लोगों को अच्छी मेडिकल फैसिलिटी दे सकती है। स्कूल कॉलेजेस होते हैं तो वहां पे भी ट्रस्टीज होते हैं। ओके, वहां पे भी कुछ लोग होते हैं जो कम से कम फीस में बच्चों को अच्छा एजुकेशन अवेलेबल करके देते हैं। तो ऐसे कुछ वेल्दी लोग होते हैं जो लोग अपना एक ट्रस्ट स्टार्ट करते हैं और वहां पे वो लोग क्या करते हैं, लोगों की वेलफेयर एक्टिविटीज वगैरह करते हैं। उसी तरीके से ये जो बिजनेसमैन है ये लोग क्या है, सोसाइटी के ट्रस्टीज है और उन्होंने सोसाइटी का क्या करना चाहिए, वेलफेयर एक्टिविटीज सोसाइटी के लिए करनी चाहिए। और ये ट्रस्टीशिप का जो कॉन्सेप्ट है वो महात्मा गांधी जी ने इंट्रोड्यूस किया था कि समाज में कुछ वेल्दी लोग होते हैं, उन्होंने अपने वेल्थ का कुछ हिस्सा जो है वो क्या करना चाहिए, जनरल पब्लिक के वेलफेयर के लिए यूज करना चाहिए। तो ये लाइन आपको याद रखना, ये ऑब्जेक्टिव में आता है कि बिजनेसमैन जो होते हैं वो समाज के क्या होते हैं, ट्रस्टीज होते हैं और वो लोग समाज के लिए कुछ वेलफेयर एक्टिविटीज करते हैं। तो उसके लिए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जरूरी है। दूसरा है चेंजिंग एक्सपेक्टेशंस ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी के एक्सपेक्टेशन जो है वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चेंज होते जा रहे हैं ड्रास्टिकली।
पहले अगर आप लोग देखोगे तो कस्टमर्स को सिर्फ चाहते थे कि कस्टमर बिजनेसमैन ने अच्छे क्वालिटी के गुड्स एंड सर्विसेज देने चाहिए। आज के टाइम पे अगर हम लोग देखेंगे तो कस्टमर्स एक्सपेक्ट करते हैं या सोसाइटी एक्सपेक्ट करती है कि बिजनेसमैन ने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करना चाहिए और सोशल वेलफेयर के लिए कॉन्ट्रीब्यूट करना चाहिए। ओके, मतलब जैसे कि गवर्नमेंट को अगर सपोज फंड्स की जरूरत है, कोई इमरजेंसी वगैरह हो गई है तो फंड्स की जरूरत है तो गवर्नमेंट को फंड्स प्रोवाइड करने चाहिए, कस्टमर को अच्छे क्वालिटी के गुड्स देने चाहिए। ओके, या स्कूल्स वगैरह कंस्ट्रक्ट करने के लिए डोनेशंस वगैरह देने चाहिए, हॉस्पिटल्स के लिए डोनेशंस वगैरह देने चाहिए। तो सोसाइटी के एक्सपेक्टेशन जो है वो चेंज होते जा रहे हैं। पहले वो लोग को सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज चाहिए रहते थे, अभी उन लोग चाहते हैं कि वेलफेयर एक्टिविटीज भी बिजनेसमैन ने करना चाहिए। तो इस समाज के जो एक्सपेक्टेशन चेंज हो गए हैं उसके लिए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बिजनेस की काफी जरूरी होती है। नेक्स्ट है एंजॉय गुड रेपुटेशन। ओके, नाउ जो बिजनेस सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करते हैं वो लोग एक अच्छा रेपुटेशन या गुडविल जो है मार्केट में एंजॉय कर पाते हैं, उनका एक ब्रांड इमेज बनने में हेल्प होता है। ब्रांड इमेज मतलब क्या, उनकी इमेज जो होती है वो लोगों के माइंड में क्रिएट होती है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, रिलायंस, टाटा, गोदरेज, ये सारी जो कंपनीज है इनकी एक इमेज बन चुकी है। ओके, तो जो भी सोशली रिस्पॉन्सिबल कंपनीज रहती है उनकी एक इमेज बनने में हेल्प होती है। जो भी बिजनेसेस अपने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल नहीं करते उनकी कभी भी इमेज बनती नहीं है। और एक बार कंपनी ने अपनी रेपुटेशन क्रिएट की तो उसकी वजह से क्या होता है, कंपनी का सेल्स बढ़ता है, उसके वजह से कंपनी का प्रॉफिट बढ़ता है, देन हम लोग अच्छे एम्प्लॉयज को अट्रैक्ट कर पाते हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन में। और हर एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए टैलेंटेड एम्प्लॉयज की बहुत जरूरत होती है, बिकॉज जितने अच्छे एम्प्लॉयज रहेंगे उतना क्या होगा, आप अच्छी सर्विस कस्टमर को दे पाओगे, जिससे अगेन आपका सेल्स और प्रॉफिट बढ़ पाएगा और आपका ग्रोथ सस्टेनेबल होगा। सस्टेनेबल मतलब बैलेंस, ऐसे नहीं कि आपका ग्रोथ जो है कहीं ना कहीं पे रुक गया। आपका यहाँ पे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोग फुलफिल कर रहे हो जिसके वजह से आपका रेपुटेशन अच्छा हो रहा है, रेपुटेशन अच्छा होने की वजह से ये सारे बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। तो उसके लिए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करना बहुत जरूरी है। प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट। ओके, नाउ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ने क्या करना चाहिए, जो नेचुरल रिसोर्सेस है जैसे वाटर हो गया, ओके, देन फॉरेस्ट वगैरह हो गया, मिनरल्स हो गए, मेटल्स वगैरह हो गए, ये सारे नेचुरल रिसोर्सेज जो नेचर ने हमको दिए हैं, तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ने क्या करना चाहिए, इनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना चाहिए। ओके, एनवायरमेंट का डिग्रेडेशन, डिग्रेडेशन मतलब एनवायरमेंट की क्वालिटी खराब करना, ओके, ये सबको अवॉइड करना चाहिए। तो बिजनेसमैन ने क्या करना चाहिए, एनवायरमेंट का पूरा प्रोटेक्शन करना चाहिए। ना कौन सी एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन एक्टिविटीज बिजनेसमैन ने नहीं करनी चाहिए, तो पॉल्यूशन क्रिएट नहीं करना चाहिए, बायोडाइवर्सिटी। ना बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है, वैरायटी, जैसे प्लांट्स की अलग अलग वैरायटी होती है, एनिमल्स की, बर्ड्स की, ओके, इनकी वैरायटीज को कम नहीं करना चाहिए। जैसे ड्रैगन है, तो ड्रैगन अभी हम लोग को उसकी वैरायटीज पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है, हम लोग को ड्रैगन अभी सिर्फ गूगल इमेजेस में ही दिखाई देता है, बाकी एग्जिस्ट ये जो ड्रैगन है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, पूरी उसकी जो प्रजाति है वो खत्म हो चुकी है। सेम टाइगर के साथ होने वाला था, बट टाइमली एक्शन लेने की वजह से टाइगर जो अभी थोड़े से प्रोटेक्टेड है, अदरवाइज टाइगर की भी जो प्रजातियां है या उसकी जो बायोडाइवर्सिटी वो भी खत्म हो जाती। तो ये सब नहीं करना चाहिए बिजनेसमैन ने, किसी भी बायोडाइवर्सिटी को कम नहीं करना चाहिए, और ओजोन लेयर के डिप्लेशन को कंट्रोल करना चाहिए, उसको खत्म नहीं करना चाहिए, बिकॉज कार्बन या मीथेन वगैरह जो होता है उसकी वजह से ओजोन के अंदर होल होते जा रहे, ओजोन लेयर कम कम होते जा रहे। तो ये सब चीजें नहीं करनी चाहिए बिजनेसमैन ने, क्योंकि क्या होता है कि अगर जितना एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन होगा उतनी लोगों की हेल्थ खराब होगी। ओके, लोगों का सर्वाइवल जो है वो खतरे में आ जाएगा कि लोग कितने दिनों तक, क्योंकि जितना एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हम लोग करेंगे उतना क्या होता है कि हम लोग को ही उसके जो एडवर्स इफेक्ट है वो फ्यूचर में वापस से झेलने पड़ते। तो इसकी वजह से बिजनेसमैन ने क्या करना चाहिए, एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहिए, उसके लिए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करने की जरूरत है, जो जिसको हम लोग बोलते हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स द एनवायरमेंट, उसको बिजनेसमैन ने फुलफिल करना चाहिए ताकि एनवायरमेंट अच्छा रहे। प्रेशर फ्रॉम ट्रेड यूनियन। नाउ वर्कर्स जो है वो आजकल के अपने राइट्स के बारे में ज्यादा कॉन्शियस हो चुके हैं, उनको पता है कि उनको क्या क्या अधिकार है, उनको कितनी सैलरी मिलनी चाहिए, उनको बोनस वगैरह मिलना चाहिए, या उनको कैसी वर्किंग कंडीशन मिलनी चाहिए, उनको कितनी छुट्टियां मिलनी चाहिए, एवरीथिंग दे नो। ओके, तो वर्कर्स एक्सपेक्ट करते हैं कि उनको अच्छी सैलरी मिले, उनको अच्छी वर्किंग कंडीशन मिले, उनको करियर डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज ऑर्गेनाइजेशन में मिले। तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड करने के लिए बिजनेसमैन ने क्या करना चाहिए, वर्कर्स की जो भी ये है रिस्पॉन्सिबिलिटी है या वर्कर की जो भी रिक्वायरमेंट्स है उसको अंडरस्टैंड करना चाहिए।
बिकॉज यहाँ पे ट्रेड यूनियंस क्या होते जा रहे हैं, बहुत ज्यादा आजकल इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने लगे हैं। ये ट्रेड यूनियन क्या करते हैं, वर्कर्स के इंटरेस्ट के लिए, वर्कर्स के बेनिफिट्स के लिए फाइट करते हैं। ओके, अगर बिजनेसमैन ने अपना सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल नहीं किया, ये सारा सैलरी अच्छा पे नहीं किया, वर्किंग कंडीशन वगैरह अच्छा नहीं दिया, करियर डेवलपमेंट नहीं दिया, तो ऑब्वियसली ट्रेड यूनियन वाले क्या करेंगे, बिजनेसमैन के साथ फाइट करेंगे। तो बिजनेसमैन ने क्या करना चाहिए, वर्कर्स को अच्छी वर्किंग कंडीशन वगैरह देनी चाहिए, उनके रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना चाहिए। ओके, उनके साथ अच्छे से हेल्दी रिलेशंस रखने चाहिए ताकि किसी भी प्रकार के कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह नहीं होंगे। तो ये सब जो होता है वो ट्रेड यूनियन जो होता है उसके प्रेशर के वजह से हो पाता है। अगर ट्रेड यूनियन नहीं होगा तो वर्कर्स का क्या हो जाएगा, एक्सप्लॉयटेशन। तो ट्रेड यूनियन के प्रेशर के वजह से बिजनेसमैन जो है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एम्प्लॉयज के लिए फुलफिल करते हैं। ओके, नेक्स्ट वाला है ग्रोथ ऑफ कंज्यूमर मूवमेंट। जैसे मैंने वहां पे आप लोगों को बताया कि एम्प्लॉयज के लिए फाइट करने के लिए कौन होता है, ट्रेड यूनियन, वैसे ही कस्टमर जो होते हैं उनके लिए फाइट करने वाले कुछ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन या कंज्यूमर मूवमेंट्स वगैरह होते हैं। आजकल जैसे वर्कर्स को अपने अधिकारों के बारे में अवेयरनेस आ चुका है, वैसे कस्टमर्स को भी अपने अधिकारों के बारे में अवेयरनेस आ चुका है। उनको पता है कि उनके क्या क्या राइट्स है, ये किसके वजह से, बिकॉज ऑफ द एजुकेशन। जैसे आप लोगों को भी उसी के अंदर कंज्यूमर राइट्स के बारे में पढ़ाया जाता है। ओके, तो एजुकेशन की वजह से कस्टमर को अपने अधिकारों के बारे में पता चल चुका है। मास मीडिया मतलब टीवी, जिसके अंदर आप लोग जागो ग्राहक जागो के एडवर्टीजमेंट वगैरह देखते हो, जिससे हमको पता चलता है कि किस तरीके से कस्टमर्स का एक्सप्लॉयटेशन वगैरह हो सकता है, और अगर आपका एक्सप्लॉयटेशन आता है तो आप लोग क्या कर सकते हो, वो आपको पता चलता है। कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है, तो कस्टमर्स को अपने राइट्स के बारे में पता चल रहा है, ये सब चीजों के बारे में। सो बिजनेस एंटरप्राइज ने क्या करना चाहिए, कस्टमर्स के लिए भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करना चाहिए, जहाँ पे वो लोग कस्टमर को अच्छे क्वालिटी के गुड्स रीजनेबल प्राइस में अवेलेबल करके देना चाहिए। कस्टमर को कोई भी फॉल्स इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहिए, कस्टमर का पूरी तरीके से प्रोटेक्शन करना चाहिए। और अगर सपोज कोई भी अगर उनको खराब प्रोडक्ट अगर बेचते हैं तो उसकी वजह से अगर उनका नुकसान होता है तो उनको कॉम्पेंसेशन भी देना चाहिए। तो इस तरीके से कंज्यूमर मूवमेंट्स बढ़ते जा रहे हैं, और कंज्यूमर मूवमेंट बढ़ने के वजह से बिजनेसमैन को अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है कस्टमर के तरफ उसका अवेयरनेस हो रहा है। गवर्नमेंट कंट्रोल, ऑब्वियसली गवर्नमेंट बहुत सारे लॉज वगैरह बनाता है कस्टमर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। हर एक बिजनेसमैन ने ये लॉ को फुलफिल करना जरूरी होता है, बिकॉज वो उनके ऊपर एक प्रेशर होता है, लीगल प्रेशर या फिर मोरल प्रेशर। अगर सपोज बिजनेसमैन ने ये गवर्नमेंट के लॉज को फुलफिल नहीं किया तो उनको पेनल्टी लग सकती है। तो अगेन गवर्नमेंट के कंट्रोल की वजह से, गवर्नमेंट के प्रेशर के वजह से उन लोगों को ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज फुलफिल करनी पड़ती है, अदरवाइज उनको पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। और लास्ट वाला है रोल ऑफ मीडिया। नाउ मीडिया मतलब टीवी या फिर न्यूज़पेपर, इसके अंदर जो न्यूज़ होते हैं, ये जो मीडिया है ये बहुत ज़्यादा पावरफुल होते जा रहा है। ओके, ये पब्लिक के लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और इंटरनेट के वजह से ये मीडिया जो है वो लोगों के पास बहुत जल्दी पहुंच पा रहा है। सोशल मीडिया पे आप लोग देखते हो कि कोई भी अगर प्रॉब्लम होता है, कोई भी इश्यू होता है, तो फटक से लोगों के पास वो मैसेजेस चले जाते हैं। आजकल छोटे बच्चे से लेके ओल्ड एज तक पर्सन जो होता है उनको पता रहता है कि क्या चल रहा है करके आजू बाजू में। सो मीडिया बहुत ज्यादा पावरफुल होते जा रहा है, बहुत ज्यादा एक्टिव होते जा रहा है। ओके, और मीडिया का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है सोसाइटी के ऊपर। मीडिया जो होता है, जो बिजनेसेस माल प्रैक्टिसेस करते हैं, माल प्रैक्टिस मतलब बुरी चीजें वगैरह करते हैं, जैसे कि अडल्ट्रेशन करना, मिलावट वगैरह करना, या खराब क्वालिटी के प्रोडक्ट वगैरह बेचना, ओके, या कंपनी ने कोई भी फ्रॉड्स वगैरह किया, ये सारे माल प्रैक्टिसेस के बारे में वो लोग अपना वॉइस रेज करते हैं और कस्टमर्स को उनके एक्सप्लॉयटेशन से बचाते हैं। तो ये जो मीडिया है ये बहुत ज्यादा पावरफुल होते जा रहा है। जैसे मैंने यहाँ पे आप लोग को दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे टेलीविजन न्यूज के अंदर मैगी के इशू के बारे में बताया जा रहा है, या न्यूज़पेपर के अंदर ये कैडबरी के अंदर वॉर्म्स मतलब कीड़े आना शुरू हो गए तो उसके बारे में आर्टिकल आते जा रहा है। तो ये सब चीजें जो है ये मीडिया जो है वो हाईलाइट करती है, जिसकी वजह से लोगों में एक अवेयरनेस क्रिएट होता है। सो मीडिया के प्रेशर की वजह से बिजनेसमैन को क्या करना पड़ता है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करना पड़ता है, मतलब किसी भी तरीके से किसी का भी एक्सप्लॉयटेशन ये लोग करते नहीं है। तो ये सब चीजें हैं जिसकी वजह से हर एक बिजनेसमैन अपने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करता है, जिसको नीड फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बोला जाता है। ओके, ये सारे URL है जहाँ से इमेजेस मैंने ली हुई है। थैंक यू स्टूडेंट्स, प्लीज डू लाइक शेयर कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई YouTube चैनल, एंड ऑल्सो रिकमेंड माई चैनल टू योर फ्रेंड्स। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।